देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। दोस्तों आज की तो वीडियो में हम बात करेंगे, आज यानी कि 25 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म अपने पहले दिन पर कितने रुपए की कमाई कर रही है, और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे कि इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म को कितने स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रही है आलिया भट्ट और मास राजा अजय देवगन, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रमोशन दोनों का मिलाकर लगभग 150 करोड़ रुपए का रखा गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने सैटेलाइट म्यूजिक राइट और डिजिटल राइट्स को बेचकर लगभग 110 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है वो पहले ही कर ली थी। बात करें दोस्तों आज इस फिल्म को कितने स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर से लगभग 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। बात करें दोस्तों यह फिल्म अपने पहले दिन कितने रुपए की कमाई कर रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में टोटल एडवांस बुकिंग मिल चुकी थी लगभग 4.8 करोड़ रुपए की। वहीं दोस्तों इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को काफी कम एडवांस बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आज भीमला नायक फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें हमें पावर स्टार पवन कल्याण देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो तेलुगु स्टेट में काफी बिल्कुल ना के बराबर ही रखी गई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को तेलुगु स्टेट में काफी कम शोज मिले हैं, जिसके कारण से इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी कम रही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को तेलुगु स्टेट में सिर्फ 1 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग देखने को मिली है, यानी कि दोस्तों यह फिल्म एडवांस बुकिंग से ही रिलीज होने से पहले लगभग 4.9 करोड़ रुपए की जो टोटल एडवांस बुकिंग थी उसे कर चुकी थी। बात करें दोस्तों यह फिल्म अब रिलीज होने के बाद अपने पहले दिन पर कितने रुपए की कमाई कर रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज इस फिल्म को मॉर्निंग शोज में काफी डिसेंट ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से दोस्तों आपको बता दूं कि जो अभी तक रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसके मुताबिक गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म अपने पहले दिन पर लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन पर। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म अपने पहले दिन कितने रुपए की कमाई करेगी, साथ ही इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितने रुपए का होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।